फ्रॉम जेसर ट्यूटर. सो इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट. इससे पहले हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए विद फीचर्स, स्कोप, डेफिनेशनिंग, इंट्रोडक्शन, सारी कंप्लीट किया. अभी हमें हाफ कंप्लीट कर, अभी रेस्ट हार्ट कंप्लीट करना है. जो स्टार्ट मीनिंग ऑफ माइक्रो, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर फीचर्स है एंड लास्ट इंपॉर्टेंट. हम लोग का ये जो चैप्टर है वन इंट्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए इकोनॉमिक्स का. ये स्टार्ट कर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी. मैंने पहले भी बोला था और हम लोग ने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा जिसमें हम लोग को पता चला, क्या पता चला, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है. इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर इंसान को ढूंढता है, उसका इनकम उसको अलग से पर स्टडी करता है. ठीक है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश का, पूरे नेशन का, पूरे इकोनॉमी का इनकम स्टडी करता है. ठीक है, तो ये था हम लोग ने एक छोटा सा ओवरव्यू. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो पूरे इकोनॉमी को एनालाइज करता है. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको एनालाइज करता था? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को एनालाइज करता था, इंडिविजुअल यूनिट्स को. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? पूरे एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है. इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट. ये किसके साथ डील करता है, किसके, किसको पढ़ता है, किसको समझता है? माइक्रो इकोनॉमिक टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को वो समझता है. ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशन, ये सारे थोड़े नए वर्ड्स हैं, तुम लोग को समझ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल को ध्यान दे रहे थे. इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इसमें है टोटल इनकम, टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो दोनों में इंडिविजुअल, इसमें टोटल. ठीक है, उसमें इंडिविजुअल था, इसमें क्या है? टोटल. तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कंजप्शन कितना है, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ों पे कौन ध्यान देता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. थस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? एग्रीगेट्स की. एग्रीगेट्स मतलब सारी चीज़ें टोटल में, टोटल मतलब सारी चीज़ों को मिला के. ठीक है, ये हो गया मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट यहाँ पे जे एल हंसन और एक प्रोफेसर कार्ल शपीरो, ये दो इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया. तो मैंने जैसे बोला था कि दोनों डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन पढ़ो और लिखो, लिखना कंपलसरी है दोनों डेफिनेशन में एक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है. तो आई गेस यहाँ पे दोनों में से प्रोफेसर कार्ल शपीरो का जो भी डेफिनेशन है वो इजी है, सो वो जल्दी बाय हार्ट हो जाएगा. इवन तो मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूंगी, डिपेंड्स ऑन तुम लोग को क्या इजी लग रहा है और क्या पढ़ने वाले हो. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जे एल हंसन. अकॉर्डिंग टू जे एल हंसन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू जे एल हंसन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कंसिडर करता है किसको? बिटवीन लार्ज रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, सिर्फ लार्ज बड़े एग्रीगेट, सिर्फ टोटल्स के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है या उसी को कंसिडर करता है. कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सच एस एग्जाम्पल्स दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम. अब देखो यहाँ पे मैंने जो जो रीड आउट किया कि टोटल सेविंग्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, ठीक है, ये तुम लोग नॉर्मल डेफिनेशन में लिख सकते हो, तुम लोग नॉर्मल मीनिंग में लिख सकते हो. बट अगर तुम लोग अकॉर्डिंग जे एल हंसन का डेफिनेशन लिख रहे हो तो मैं बोल रही हूँ कि सेम टू सेम लिखो. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है टोटल एम्प्लॉयमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट लिख दोगे. नहीं, डेफिनेशन में जैसा है वैसा लिखना चाहिए. अगर तुम लोग ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए तो मार्क्स वहाँ से टीचर भी कट कर लेती है, टीचर भी मार्क्स में बहुत सारे चेंजेस कर देती है. सो यहाँ पे ये था जे एल हंसन का, जो सिंपली हम लोग के मीनिंग से मैच कर रहा था. मीनिंग में जो दिया है वही सिंपली हम लोग को डेफिनेशन में दिया, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड मैनर में. अगर ये इजी पढ़ रहा है ये पढ़ो, या तो हम लोग के पास सेकंड डेफिनेशन भी है जो दिया गया है प्रोफेसर कार्ल शपीरो ने. ठीक है, प्रोफेसर कार्ल शपीरो. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्ल शपीरो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. सो यहाँ पे प्रोफेसर कार्ल शपीरो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है, पूरे इकोनॉमी को एक होल की तरह स्टडी करता है. एक होल मतलब होल नहीं है, होल मतलब पूरे अखे की तरह. ठीक है,
पूरे इकोनॉमी में क्या फंक्शनिंग हो रहा है वो सारी चीज़ों को एज अ होल पूरा स्टडी करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट्स को, पूरे इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। तो आई गेस प्रोफेसर कार्ल शपीरो का डेफिनेशन ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है, और इवन मतलब समझने के लिए और याद करने के लिए भी हो सकता है। सो तुम लोग जो प्रेफरेंस है तुम लोग का उसके ऊपर जाओ, मैं तो प्रेफर करूँगी कार्ल शपीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ मीनिंग विद डेफिनेशन। अब हम लोग का स्टार्ट होगा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना एक्सपैंडेबल है या कितना एक्सपैंडेड है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्कोप। सो यहाँ पे हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 थियोरीज पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 थियोरीज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 थियोरीज पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 थियोरीज है। फर्स्ट थियोरी है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड थियोरी है थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थर्ड थियोरी है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फोर्थ थियोरी है मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में 2 सब टाइप्स हैं, फिर ये तीसरा सब टाइप्स भी आ रहा है। पहला है थियोरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और फिर ये दोनों को मिला के है थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अंडरस्टैंड मतलब समझेंगे अच्छे से, यहाँ पे पैराग्राफ है हम लोग के पास थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियोरी ऑफ, तो यहाँ पे देखो नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ तो थियोरी है इनकम, ठीक है, इनकम क्या इनकम है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसको समझते देखो। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है, स्टडी करता है और एक्सप्लेन करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम का लेवल को डिटरमाइन करता है, नेशनल इनकम हमारा जो नेशनल इनकम है उसके लेवल को डिटरमाइन करता है और एम्प्लॉयमेंट को भी, हाँ एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम के लेवल को डिटरमाइन करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं और वॉट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द लेवल इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो मैं शॉर्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट टाइम रीड करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइजिस एक्सप्लेन, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और हमारे नेशनल इनकम में जो फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस, जैसे कि कभी इनकम का बढ़ जाना कभी घट जाना, ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लक्चुएशन। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम डिटरमाइन हो रहा है, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट, और ये नेशनल इनकम में और आउटपुट, नेशनल इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये जानने के लिए भी हमें थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हेल्प करती है। ठीक है, सो यहाँ तक समझा। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, अगर तुम लोग को समझना है कि एक एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, उसके लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, कंजप्शन मतलब कितना कंज्यूम किया, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्ट किया, ये 2 अलग फंक्शन है। यहाँ पे तुम लोग को इसके बारे में कोई डिटेल स्टडी नहीं दिया है, सो यहाँ पे तुम लोग सिर्फ कंजप्शन फंक्शन को इतना समझो कि कितना कंज्यूम किया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये दोनों को स्टडी करने पर तुम लोग को समझेगा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, अगर थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर तुम लोग ने थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट समझ लिया तो वही है थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इन्फ्लेशन का मतलब जैसे कि पहले ऑयल का प्राइस, अभी समथिंग 1 महीने रशिया यूक्रेन के वॉर से पहले ऑयल का प्राइस क्या था, कम था, ठीक है, बट अभी वो दोनों के रीज़न से ऑयल का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन मतलब प्राइस का कम होना। सो थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या शो करता है, एक जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइंड होता है। अब देखो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी डिटेल में कि जनरल प्राइस लेवल क्या है, क्योंकि फीचर्स में हम लोग को है जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, सो अभी के लिए थोड़ा सा समझो जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट।
तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन हुआ, कैसे पता चला उसकी, और जनरल प्राइस लेवल में जो चेंजेस होते रहते, कभी जनरल प्राइस लेवल ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, ये क्यों है, इसका रीज़न भी हमें पता चलता है. किसके हेल्प से? मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प से. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक हम लोग को हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट. तो जनरल प्राइस लेवल की स्टडी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को वो सारे जो प्रॉब्लम्स है इन्फ्लेशन की वजह से और डिफ्लेशन की वजह से, कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इसको संभालना है तो हम लोग को जनरल प्राइस लेवल को समझना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब देखो नाम से ही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का थियोरी. मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी थियोरी है? थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट लाइन इजी, सेकंड लाइन इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी. अब ये थियोरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये थियोरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये थियोरी है थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये थियोरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों अंडर डेवलपमेंट है इंडिया या कोई भी नेशन या कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी, क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है, क्यों अंडर डेवलप्ड है, और उसमें पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पुअर. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है. ठीक है, इसका रीजंस बताता है और साथ ही साथ कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ तरीके बताता है जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट लास्ट थियोरी, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इसके बाद हम लोग का स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा. मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में है, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर. मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम. तो पूरे नेशनल इनकम में रेंट का क्या रोल है, वेजेस का, इंटरेस्ट कितना कैसे देना है, ये सारी चीज़ें कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है. तो यहाँ पे हम लोग ने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या हम लोग ने यहाँ पे अभी कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट से हम लोग फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे. हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके पहले के सारे वीडियोस में हम लोग ने कंप्लीट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में था फीचर्स, स्कोप और इम्पोर्टेंस. सेम कॉपी होता है किसमें? मैक्रो में. मैक्रो में हम लोग ने मीनिंग और डेफिनेशन, स्कोप, ये पूरा कंप्लीट कर लिया. अब लास्ट दो टॉपिक्स बचे हैं, एक है फीचर्स और दूसरा है इम्पोर्टेंस. सो इस वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे. फीचर्स, फीचर्स मतलब खूबियाँ. मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा हम लोग ने, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को भी समझा, उसके बारे में भी पढ़ा, बट अभी बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की खूबियाँ क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. तो जब से हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तब से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स आ रहा है. सो एग्रीगेट्स इज नथिंग बट टोटल. ठीक है, जहाँ जहाँ एग्रीगेट्स लिखा है वहाँ पे क्या लिख दो? टोटल. तो स्टडी ऑफ टोटल ऐसा पढ़ सकते हो, या तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, बट टोटल वर्ड से थोड़ा हैवियर वर्ड, 12th स्टैंडर्ड वाला लेवल वर्ड कौन सा है? एग्रीगेट्स. सो आई प्रिफर कि हमेशा एग्रीगेट्स ही यूज़ करो, ना कि टोटल. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब सारे लोगों का, कोई भी चीज़ का टोटल करके उसकी स्टडी करता है, ना कि इंडिविजुअली, मतलब पूरा अक्खा कोई चीज़ का स्टडी करता है, ना कि एक अकेला स्लाइसिंग मेथड. ठीक है, जैसे हम लोग ने स्लाइसिंग मेथड में पढ़ा कि पूरे होल वाटरमेलन को हम लोग ने कट किया और फिर कट करके एक एक पीस को इंडिविजुअली ईट कर रहे, ऐसा काम मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता. मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे वाटरमेलन को स्टडी करेगा, पूरे वाटरमेलन को स्टडी करेगा, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? वाटरमेलन को स्लाइस करके छोटे छोटे पार्ट्स में, इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो दिस इज़ नॉट द केस विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो रीड करते, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. तो यहाँ पे बोला है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की स्टडी में, बट कैसे? एज अ होल. होल मतलब फुल, पूरा. ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट. एग्रीगेट मतलब टोटल. तो ये इसमें क्या सोचता है मैक्रो इकोनॉमिक? मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर ध्यान देता है, टोटल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है और उसी से, उसी के रिलेटेड काम करता है. जैसे कि नेशनल इनकम, नेशन का इनकम, नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन का आउटपुट कितना निकल रहा है पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में,
नेशनल एम्प्लॉयमेंट पूरे नेशन का एम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है, पूरे नेशन का एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल पढ़ेंगे इसमें ही, जनरल प्राइस लेवल क्या है, बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कौन ध्यान देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में। ये था फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इनकम थियोरी, ठीक है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे, जिसने अच्छे से किया, सारे वीडियोस देखा और अच्छे से पढ़ा, उसको आइडिया आ गया होगा कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक थियोरी था जो था प्राइस थियोरी। क्यों था वो? क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स थे, जो कमोडिटी थे, उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती थी, और जो भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, रेंट, ठीक है, लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ों को भी कितने रिवॉर्ड्स देने हैं, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करती थी। इसके लिए फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में था प्राइस थियोरी, ये है इनकम थियोरी। ये क्या है? इनकम थियोरी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम स्टडी करता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये, और साथ ही सोशल अकाउंटिंग, सोशल मतलब सोसाइटी, अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का काम कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें का स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल, सो एग्रीगेट टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई पे कौन ध्यान देता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम, इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम। तो फ्लक्चुएशन का मतलब चेंजेस, फ्लक्चुएशन का मतलब चेंजेस, अप्स एंड डाउन। सो नेशनल इनकम में जो चेंजेस आते रहते, कभी नेशनल इनकम का बढ़ जाना या कम हो जाना, इसके रीज़न क्या है, इसके कॉजेस क्या है, ये एक्सप्लेन करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन द नेशनल इनकम दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, और इसी से बिजनेस साइकिल्स होते हैं। बिजनेस साइकिल्स क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। मैंने बताया था इन्फ्लेशन वो होता है जिसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है, डीजल का प्राइस बढ़ चुका है। डिफ्लेशन मतलब कोई भी चीज़ का प्राइस कम हो जाना, सिंपल वर्ड्स में। अभी इंडिया में करेंटली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अराउंड 7% इन्फ्लेशन का रेट बढ़ चुका है। सो इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है इंडिया में, ना ही कि डिफ्लेशन। सो ये था इनकम थियोरी। ये ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थियोरी था और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थियोरी। सेकेंड फीचर कंप्लीट। थर्ड फीचर इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब इसको देख के थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ एनालिसिस माइक्रो में भी था। माइक्रो में था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या करता था? एक अखे होल पार्ट को इंडिविजुअली आइसोलेट करता था और उसको स्टडी करता था, ठीक है। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या करता है, देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। ये पता है हम लोग को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, जो बड़े बड़े मतलब बड़े चीज़ों में, पूरे होल वाले चीज़ों में ध्यान देता है, एंड द फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ, जनरल इक्विलिब्रियम किस में डील करता है? जनरल इक्विलिब्रियम डील करता है डिमांड, सप्लाई और प्राइजेस ऑफ द होल इकोनॉमी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल इंडिविजुअल डिमांड की बात करता है, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस। बट ये क्योंकि मैक्रो है, इसके लिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पूरे होल इकोनॉमी के डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस पे ध्यान देता है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। ये हम लोग का फोर्थ है और चार पॉइंट्स बचे हैं। इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। अब देखो, नाम अगर हम लोग पढ़े ना, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे से डिपेंड होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना, कैसे ना कैसे डिपेंड होना। जैसे कि इंडिया सारी चीज़ें अपने पूरा खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया को ऑयल के लिए इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं सब लोग किसी ना किसी पे इंटरडिपेंडेंट है। सो यहीं पे ये एक्सप्लेन किया कि देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस। ये किसको अकाउंट में लेता है? इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस होता है इसमें। अब किसके बीच इंटरडिपेंडेंस होता है, किसके ऊपर एक दूसरे निर्भर है या डिपेंडेंट है?
तो बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब इनकम हो गया, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारे, प्राइस लेवल एक्सेट्रा और भी बहुत सारे, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल, अब देखो कैसे इंटरडिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, ये एक्सप्लेन करेगा। चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। अब अगर चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जितना कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बोला, ये शायद अभी तुम लोग को एग्जाम्पल क्लियरली ना समझे, बट इतना समझना इम्पॉर्टेंट था कि डिपेंडेंट है उसमें आउट एम्प्लॉय इन्वेस्ट सारी चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल, इन्वेस्ट मतलब कोई भी चीज़ पे पैसा लगाना, ठीक है, अभी के लिए इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ का, कोई चीज़ पे इन्वेस्ट, ठीक है, अगर मैंने उसका चेंज कर ली तो क्या लेवल ऑफ इनकम में भी चेंज आएगा, लेवल ऑफ इनकम में भी चेंज आएगा, लेवल्स ऑफ, फिर लेवल्स ऑफ फुट में भी चेंज होगा, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में चेंज, और फिर पूरे इकोनॉमिक में चेंज आएगा। सो इससे सब जगह पे इंटरडिपेंडेंस है। नेक्स्ट इज लंपिंग मेथड। हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग में करता था, स्लाइसिंग मेथड स्लाइस करता था, ठीक है, लंप मतलब एक अखा गुच्छा ऐसा समझो, ठीक है। सो लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट। तो लंपिंग मेथड पूरे होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, ना ही उस पार्ट, मतलब पूरे होल वाटरमेलन स्टडी करता है, ना ही टर्म्स करता है और एक इंडिविजुअल पार्ट सेलेक्ट करके स्टडी करता है, ऐसा नहीं, ये करता है इकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरे होल वाटरमेलन को स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, तो प्रोफेसर कहते हैं फॉरेस्ट एंड एग्रीगेशन, फॉरेस्ट ट्रीज एग्रीगेशन, एक फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज होते हैं, ट्रीज के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रीज। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट में पूरे ट्रीज ही होते हैं, बट क्या सारे ट्रीज, क्या ये इंडिविजुअल ट्री के प्रॉपर्टीज को करते हैं, नहीं, क्या पूरा फॉरेस्ट इंडिविजुअल ट्री के प्रॉपर्टीज को रिवील करता है, नहीं करता है। सो इन दिस वे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूरे फॉरेस्ट को स्टडी करता है, ना कि एक इंडिविजुअल को ढूंढ ढूंढ के निकाल के, एक इंडिविजुअल ट्री के प्रॉपर्टीज को ढूंढ के उसके बारे में रिवील करता है, ना कि ये इंडिविजुअल को क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्री के प्रॉपर्टीज को रिवील नहीं करता और पूरे को स्टडी करता है। रिवील स्प्रेड्स बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिक्स, ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स, अब ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, देखो ग्रोथ मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी, अपने जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो भी हेल्प होने वाले, हेल्प करने वाले, ग्रोथ मॉडल्स कहा जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वे फैक्टर्स, ठीक है, माइक्रो बहुत सारे फैक्टर के बारे में स्टडी करता है जो ग्रोथ मॉडल में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को स्टडी करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेल्प करेगा, ठीक है। सो इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। तो अगर कोई चीज़ ऐसा है जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को डेवलप करेगा, ठीक है, तो क्या उसको, मतलब जैसे कि हम लोग के इकोनॉमी, इकोनॉमी को कौन डेवलप करा अभी, ग्रोथ मॉडल्स। सो हमारा ये काम है, या इट इज़ वेरी यूजफुल टू डेवलप ग्रोथ मॉडल्स। तो इसलिए ग्रोथ मॉडल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ मॉडल्स डेवलप होंगे तभी ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये ग्रोथ मॉडल से इकोनॉमी में कितने डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमी कितना डेवलपमेंट हो रहा है या होगा, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए ग्रोथ मॉडल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महालैनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फोसाइज ऑन अ बेसिक हैवी इंडस्ट्री। तो ये एक ग्रोथ मॉडल था जिसने बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, 7.7 पॉइंट जनरल प्राइस लेवल, ये वर्ड हम लोग ने 3-4 बार पढ़ा और मैंने बोला कि आगे है। सो यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे उसका मीनिंग समझा कि जनरल प्राइस लेवल क्या है, ठीक है। सो जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इसका मीनिंग नहीं, यहाँ पे बोला है कि प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे उसको डिटरमाइन करना, उसको ढूंढना या उसको बताना, ये किसका काम है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, ये बस इतना बोला है ये लाइन में, यहाँ से उसका मीनिंग स्टार्ट हो रहा है। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में, ठीक है, एक इकोनॉमी में सपोज इंडिया, इंडिया का इकोनॉमी चालू है, ठीक है, तो इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, कितने गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली प्रोड्यूस हुए, करेंटली मतलब इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, मतलब सपोज एक साल में, ठीक है, एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका प्राइस निकालो, ठीक है, उसके प्राइस निकालो और फिर वो प्राइस का एवरेज निकालो, ठीक है, तो जो एवरेज होगा उसको बोलेंगे जनरल प्राइस लेवल। क्या बोला मैंने, जनरल प्राइस लेवल, एक इकोनॉमी लो, ठीक है, एक इकोनॉमी जैसे कि इंडिया का इकोनॉमी लेते हैं, ठीक है, इंडिया नेशन,
इंडिया में जो इकोनॉमी उसको लेते, अभी इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, करेंटली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना फाइनेंशियल ईयर, अभी ऐसा नहीं कि चार साल पहले प्रोड्यूस हुआ था उसको भी नहीं, एक करंट पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है हम लोग का 31st अप्रैल to 31st मार्च, ठीक है, तो सपोज उतने साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका प्राइस निकालो और फिर उसका एवरेज करो, तो जो आंसर आएगा वो होगा जनरल प्राइस लेवल. नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू केनिस, ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू केनिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट सजेस्ट, अब ये कैसे पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस हुआ देखो, इट सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा. तो केनिस एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कहा है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है. पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस मतलब ऐसा साइंस जो पॉलिसी बता के हेल्प करता है, ठीक है. सो ये क्या करता है, इट सजेस्ट सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये ऐसे पॉलिसी सजेस्ट करता है इकोनॉमी को कि ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं, इन्फ्लेशन कम हो जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है और डिप्रेशन का भी सेम, ठीक है. सो इसको बोलेंगे पॉलिसी ओरिएंटेड. सेम ये एट पॉइंट्स है, इसमें मिनिमम मैं बोलूँगी 6 पॉइंट्स पढ़ो, 6.7 पॉइंट्स पढ़ो, एक स्किप कर दो. अगर तुम लोग ने सिर्फ ये आंसर्स पढ़ लिया जो चार पाँच आंसर्स है इसमें, तो पूरा चैप्टर हो जाएगा. तो मैं बोलूँगी आंसर वाइज पढ़ो, याद हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग ने फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कम्प्लीट किया, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. प्रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर. सो इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके पहले के सारे वीडियोज में हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया, हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कंप्लीट किया जिसमें था स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस और फीचर. सेम यहाँ पे मैक्रो में भी था, मैक्रो में हम लोग ने कंप्लीट किया मीनिंग, स्कोप, डेफिनेशन और फीचर्स, ठीक है. अब लास्ट पार्ट बचा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये जो पार्ट था पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 तक जो जा रहा है लास्ट पार्ट, ये पार्ट रिड्यूस सिलेबस 2021 और 2021-22 के सिलेबस में कट हो चुका था. बट अगर यहाँ पे तुम लोग को पता चलता है कि इस बार कट नहीं हुआ है तो सिंपली वीडियो देख लेना, और अगर ऐसा पता चला कि सेम सर्कुलर नहीं है, इसको फिर से कट किया है, तो इसको भूल जाना. बट फॉर नॉलेज अगर देखना है तो वीडियो देख सकते हो. इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ क्या है, इसका कोई तो इम्पॉर्टेंस होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का. सो यहाँ पे क्लियरली कुछ पॉइंट्स के साथ, कुछ 7 to 8 पॉइंट्स के साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताया. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है. इकोनॉमी जो है बहुत बड़ी है, ठीक है. इकोनॉमी जो है एज ए इंडिविजुअल अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है. तो वो इकोनॉमी को समझने के लिए, वो इकोनॉमी चलती कैसे, फंक्शनिंग कैसे वर्क करती है, वो चीज़ को समझने के लिए हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. यहाँ पे क्या बोला है देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से क्या मिलता है, हमें एक आइडिया मिलता है कि फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के फंक्शनिंग विच मीन्स वर्किंग के बारे में हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम. तो ये क्या करता है, ये हम लोग को जो लार्ज एग्रीगेटिव वेरिएबल्स है, एग्रीगेटिव मतलब बड़े बड़े, ठीक है, एग्रीगेटिव टोटल वेरिएबल्स या बड़े बड़े जो लार्ज वेरिएबल्स हैं उनका पैटर्न और उनके जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है वो सब समझने में हम लोग का हेल्प कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड पार्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सीवियरिटी. तो ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि कैसे इम्पोर्टेंस कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन ध्यान देता है कि नेशनल इनकम के फ्लक्चुएशन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान देता है. तो यही बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इनकम में, ठीक है, इनकम हो, आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे चीज़ों में चेंजेस क्यों आ रहे, बढ़ना हो या कम होना, इनकम बढ़ क्यों रहा है या इनकम कम क्यों हो रहा है, आउटपुट क्यों बढ़ रहा है, आउटपुट कम क्यों हो रहा है, नेशनल इनकम क्यों घटते जा रहा है या क्यों बढ़ते जा रहा है, ये सारे रीजंस कौन हेल्प करता है बताने में, मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें बताते हैं
और ये क्या करता है, और साथ ही उनको कंट्रोल या उनके सिवियरिटी, उनके प्रॉब्लमेटिक नेचर को कम करने में हेल्प करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड पार्ट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम लोग देखोगे सब में नेशनल इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला तो। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। तो यहाँ पे बोला है कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी ने बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है किसके स्टडी को, नेशनल इनकम की स्टडी को। ठीक है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को पढ़ा गया तब भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगा किसको, नेशनल इनकम के स्टडी को। ठीक है, और सोशल अकाउंट्स, ठीक है, सोशल के अकाउंटिंग्स को। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर नेशनल इनकम ही प्रॉपर नहीं है, अभी सपोज तुम्हारा घर है, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारा इनकम ही नहीं पता, ठीक है, तुम लोग का इनकम ही नहीं पता, तो तुम लोग एक्सपेंस कैसे डिसाइड करोगे, एक्सपेंस पे कैसे पॉलिसी बनाओगे कि इतना इतना एक्सपेंस करना है या इतना नहीं करना है। ठीक है, तो सेम ये तो नेशनल, ये तो तुम्हारा खुद का इंडिविजुअल इनकम की बात हो गई। अगर नेशनल इनकम के बारे में नहीं पता तो करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पॉलिसी तो बना सकते हैं बट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पुवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ दी। ठीक है, पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर एडवांस स्टडी मतलब हाई लेवल की स्टडी किया गया, ठीक है, अगर किया जाए तो वो हम लोग को जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, हम लोग का इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, सो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है पुवर्टी का, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम का इनइक्वालिटी होना, किसी के पास बहुत पैसा होना किसी के पास बिल्कुल पैसा ना होना, और वेल्थ में भी सेम, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डिफरेंस होना, किसी का बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को और भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ये सारे प्रॉब्लम्स को समझने में कौन हेल्प करता है, एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़े थे डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दी पीपल एक्सेट्रा। इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स सजेस्ट करता है जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ये फिफ्थ है, फिर सिक्स सेवन दो लास्ट पॉइंट्स बचे फिफ्थ के बाद। इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में, ठीक है, एक इकोनॉमी में कितना परफॉर्मेंस बढ़ा है या कितना उसका क्या, उसने क्या कुछ सुधार किया या उसने कुछ और नीचे गिर गया, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड या समझने के लिए भी हेल्प करता है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, दैट इज़ NI, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म, एस्टिमेट्स आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन नेशनल इनकम ओवर अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है, यहाँ पे बताया देखो कि जो नेशनल इनकम है, जो NI है, ठीक है, वो हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वो हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब नेशनल इनकम तभी ही समझ पाओगे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेगा, तो ये लोग क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स समझो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम समझोगे तो ही हम इनकम जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है उसको जान पाओगे, उसको कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये कैसे हेल्प करता है हमें कि हमारे जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जानने में ये कैसे हेल्प करता है, ये द कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद द अदर पीरियड। अब जितना गुड्स एंड सर्विसेज लास्ट ईयर हुआ था और ये साल का गुड्स एंड सर्विसेज वो कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से वो क्या बताएगा, परफॉर्मेंस बताएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, नेशनल इनकम हमें हमारा परफॉर्मेंस बताते कि हम लोग ने ग्रोथ किया या हम लोग नीचे आ गए, ये सारी चीज़ें बताते हैं कैसे, बाय कंपेयरिंग लास्ट ईयर का प्रोडक्शन या कोई एक पर्टिकुलर ईयर का प्रोडक्शन और ये साल का प्रोडक्शन चेक करता है, वो कंपेयर करता है और बोलता है कि इतना इतना परफॉर्मेंस की कमी रह गई या कम हो गया। ठीक है, सो इस तरह परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसके इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंस। सो मैक्रो इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस में फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। सिक्स पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बोला है कि अगर इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे काम करती है ये जानना है, तो इसके लिए हम लोग को इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या क्या थे हम लोग ने पढ़ा था, कुछ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे वेरिएबल्स की स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो किसके रिलेटेड है, वो रिलेटेड है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के। जैसे कि
बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी इनकम के रिलेटेड है. आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द इनकम इकोनॉमी, ठीक है. सो जो भी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प एनालाइज करने में हेल्प करता है क्या, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का जनरल प्राइस लेवल क्या है ये हेल्प करने में कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी. सो यहाँ पे हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया चैप्टर. फीचर्स सात थे सेम, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी 7 पॉइंट्स है. यहाँ पे भी 6 पॉइंट्स पढ़ो तो इनफ है. बट मैंने जैसे पहले बोला, अगर ये रिड्यूस सिलेबस में रिड्यूस्ड है तो इसको स्किप करो वरना पढ़ लेना, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग ने पूरा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया.